हेलो डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज सरफेस एरिया एंड सरफेस इंटीग्रल। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में लाइन इंटीग्रल पढ़ा था उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में अपन सरफेस एरिया एंड इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द कॉन्स्टेंट लैम्डा सो दैट F इज ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड वेयर F इज इक्वल, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है ये वाला पार्ट जिसमें आपको कई जगह लैम्डा दिया हुआ है और इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, फाइंड द कॉन्स्टेंट लैम्डा सो दैट F इज ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड वेयर F इज इक्वल दिस, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। पॉइंट्स का हम नाम दे सकते हैं पी से क्यू। चीज़ तो हमें क्या देखने होती है स्टूडेंट्स कि आपको कह रहा है कि F क्या है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। F आपका क्या है, कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव का मतलब ही क्या होता है कि डेल क्रॉस F की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ये चीज़ पता ही आपको कि कंजर्वेटिव का मतलब ही क्या है। कंजर्वेटिव कब होता है, जब डेल क्रॉस F की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। और उसके बाद आपको पता होता है हम F इजिकल क्या रखते हैं, ग्रेडियंट एफ, जहाँ पर ये जो स्मॉल एफ होता है वो आपका क्या होता था, स्केलर पोटेंशियल, या फिर इसको कई जगह हम डी फाई भी, ग्रेडियंट फाई भी लिखते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पर ये फाई क्या होता है आपका, स्केलर पोटेंशियल होता था। तो सबसे पहली चीज़ हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास देखो कंडीशन खुद ने क्वेश्चन में दी हुई है। कंडीशन क्या है कि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, तो ये अपने आप कंडीशन बन गई अपने पास में, इसीलिए अपने पास लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले हमने डेल क्रॉस एफ किया, तो डेल क्रॉस एफ में हमने लिख दिया आई जे के होता है, डेल के कोफिशिएंट क्या है, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। इसी तरीके से हमने एफ के लिख दिए ये वाले पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले आई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो ये लो आई को हटा दिया, आई लगा दिया, इसको इससे क्रॉस करोगे तो डेल अपॉन डेल वाई, क्या यहाँ पर कहीं पर भी वाई दिख रहा है स्टूडेंट्स, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पूरा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो पहली वैल्यू अपने पास क्या आ गई, जीरो आ गई। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो डेल अपॉन डेल जेड, यानी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जब विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो क्या यहाँ पर कहीं पर भी जेड है क्या, नहीं है, तो पूरा ही क्या है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो नेक्स्ट वैल्यू अपने पास क्या आ गई, जीरो आ गई। आ रही बात समझ में इतनी, ठीक है। उसके उसके बाद हम स्टूडेंट जे के रिस्पेक्ट में सोल्व करते हैं, तो देखो माइनस जे लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये रहा। और अब सबसे पहले कौन सा सोल्व करेंगे, ये वाला पार्ट, जब ये पार्ट सोल्व करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स, यानी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पर एक ही एक्स दिख रहा है, इस एक्स का क्या हो जाएगा, वन, तो आपके पास क्या बचेगा, वन माइनस लैम्डा जेड स्क्वायर। तो वो देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको, वन माइनस लैम्डा जेड स्क्वायर। फिर हम कौन सा पार्ट सोल्व करेंगे, ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो पहले टर्म देखो ये है, इसमें कहीं पर भी जेड है क्या, नहीं है, तो कॉन्स्टेंट का क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, जेड क्यूब, जेड क्यूब का करोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, थ्री जेड स्क्वायर लिख सकते हो ऐसा, तो ये मैंने थ्री जेड स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद में आते हैं के वाले पार्ट के स्टूडेंट्स, तो के वाला कैसे करोगे, इसको ऐसे हटा दिया, पहले ये सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर का करोगे तो टू एक्स, तो टू लैम्डा माइनस एक्स लिख दिया। फिर ये सोल्व करोगे तो ये तो जीरो हो गया, यहाँ पर वाई क्या वन हो गया, तो क्या बचेगा, लैम्डा एक्स, तो लैम्डा एक्स लिख दिया, कर सकते हो। इसको स्टूडेंट्स हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे, देखो जब हम फर्दर सोल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कुछ इस तरीके के टर्म्स बन के आएंगे। इनको अब इनको रीसोल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है थ्री जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर कितना हो गया, फोर जेड स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस लैम्डा जेड स्क्वायर पहले से पड़ा है। इसी तरीके से इस तरफ अगर देखें अपन तो माइनस का लैम्डा एक्स और प्लस का टू लैम्डा एक्स तुम कटाएंगे तो क्या बचेगा, लैम्डा एक्स माइनस फोर एक्स। इसमें से अगर कॉमन देखें तो क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, पहले वाले पार्ट में से जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, लैम्डा माइनस फोर। इधर से एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, लैम्डा माइनस फोर। इधर भी लैम्डा माइनस फोर है, इसमें भी है, इसको बाहर ले लिया, इक्वल टू जीरो है, तो या तो ये इक्वल जीरो होगा या फिर ये इक्वल जीरो होगा, तो लैम्डा माइनस फोर इक्वल जीरो करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, फोर आ गई। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम इस लैम्डा इज इक्वल फोर को किस में पुट करेंगे, इस एफ में पुट कर देंगे, जो आपका एफ दिख रहा है यहाँ पे,
ये वाला इसमें जहाँ जहाँ पर भी लैम्डा दिख रहा है वहाँ पर फोर पुट कर देंगे, तो अपने पास जो नया ऐप बन के आएगा स्टूडेंट्स वो ऐप आपका ये होगा। अब अपने पास रियल ऐप आ गया। इस ऐप इजिकल क्या होगा, ग्रेडियंट हाई होगा। क्यों होगा, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि डेल क्रॉस ऐप इक्वल क्या है, जीरो, और डेल क्रॉस ऐप इक्वल जीरो होता है तो हम कहते हैं कि ऐप क्या है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। और अगर ये कंजर्वेटिव होता है ऐप इजिकल क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट फाई लिख सकते हैं। तो पहले देखो मैंने ये ऐप पूरा था वो यहाँ लिख दिया है, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू ये होती है, ये पूरी इधर लिख दी है। फिर हम कंपेयर करते हैं आई के कोफिशेंट को, तो देखो कंपेयर करने पर मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये हो गई, डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये, तो इनको मैंने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। फिर टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको बताया हुआ, डी फाई, डी फाई आपका ये फॉर्मूला होता है, इसके अंदर हमने बस ये डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड, इनकी वैल्यूज यहाँ हमने पुट कर दी है। पुट करने के बाद में क्या किया स्टूडेंट्स, इसको रीअरेंज किया मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो ये देखो फोर एक्स वाई डी एक्स है, जेड क्यूब डी एक्स है, ये बन के आ गया। उसके बाद में कंबाइन करना सीखते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर आपको पहली टर्म देखो, इसमें यहाँ पर एक्स डी एक्स दिख रहा है, दिख रहा है, एक एक्स और एक डी एक्स है। एक्स डी एक्स कब आता है स्टूडेंट्स, जब कोई पहले एक्स स्क्वायर होता है तभी तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आएगा, टू एक्स डी एक्स आएगा। तो अब इस चीज़ में से देखो, इसमें से आप टू एक्स डी एक्स छांट लो तो आपके पास क्या बचेगा, अगर टू एक्स डी एक्स छांट लिया तो टू वाई बचा, तभी तो देखो टू टू कितना हो जाएगा, फोर एक्स वाई डी एक्स, ऐसा ही बनेगा। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, टू वाई तो था, कोई एक्स स्क्वायर था, उसका हमने क्या कर दिया, टू एक्स डी एक्स कर दिया, ठीक है। तो दूसरी जो टर्म होगी स्टूडेंट्स, यानी ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, टू एक्स स्क्वायर, देखो टू एक्स स्क्वायर वाई, टू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, टू एक्स, तो फोर एक्स वाई डी एक्स दिखेगा। फिर इस बार टू एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज रखो, वाई का करेंगे तो डी वाई, ये रहा डी वाई, ठीक है। तो आपको दो टर्म दिख रही है, ये टर्म और ये टर्म, इन दम दोनों टर्म्स को साथ में लिया तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सी टर्म बनेगी, ये बनेगी। इसी तरीके से आपको दिख रहा है स्टूडेंट जेड क्यूब डी एक्स, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है जेड क्यूब डी एक्स, तो पहले तो जेड क्यूब को एज इट इज रखो, कोई एक्स था उसी का तो क्या हुआ है, डी एक्स। तो मैं ये कर सकता हूँ इस तरीके से, क्यों, क्योंकि अगर एक जेड क्यूब डी एक्स बनाया तो श्योर है कि दूसरा वे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक्स तो रहेगा, जेड क्यूब का करोगे तो कितना होगा, थ्री जेड स्क्वायर डी जेड, तो ये रही थ्री एक्स जेड स्क्वायर डी जेड, इन दोनों को मिलाया तो इस तरीके से लिख दिया। फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कर सकते हो। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पहले भी बताया हुआ है, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब हम आते हैं बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्क डन आपने पढ़ा था एफ डॉट डी आर, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि एफ अगर ग्रेडियंट फाई यानी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, पढ़ा था। तो ऐप को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट फाई, तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर बन गया, और ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर को सोल्व करते हो तो हमेशा क्या आता है, डी फाई आता है, और डी फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, फाई होता है। इसमें अपर लिमिट रखेंगे क्यू, लोअर लिमिट रखेंगे पी, तो ये रहा फाई ऑफ क्यू, दोनों पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, फाई ऑफ क्यू माइनस फाई ऑफ पी। तो फाई ऑफ में पहले ये जो फाई है ना आपका, ये रहा, इसमें पहले क्यू पॉइंट पुट कर देंगे फिर पी कर देंगे, तो इस तरीके से वैल्यू जाएंगे अपने पास में, पहली वैल्यू ये आएगी और फिर ये आएगी, सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -47। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, देखो। सो दैट फंक्शन दिया आपको, पहले इसको चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, अगर है तो इसका स्केलर पोटेंशियल निकालना है, मतलब फाई निकालना है। आल्सो फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं सरफेस एरिया एंड सरफेस इंटीग्रल, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है इसमें, यस स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया एंड सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो ए स्मूथ सरफेस एस इज कॉल्ड ओरिएंटेबल और टू साइडेड इफ इट इज पॉसिबल टू डिफाइन ए फील्ड ऑफ एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन एस दैट वेरीज कंटिन्यूसली विथ पोजिशन विथ सूज एन ऑन ए क्लोज सरफेस टू पॉइंट आउटवर्ड। स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि जो भी आपकी स्मूथ सरफेस होती है वो टू साइडेड होती है, या फिर अगर मेरे पास कोई क्लोज सरफेस होगी तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड होगा, ठीक है। आउटवर्ड क्यों लेंगे, फॉर आवर इजी कन्वीनियंस टू सॉल्व इजीली, ठीक है। इसके लिए हम समझने के लिए एक आपके पास एक सरफेस लेके चल रहे हैं,
कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल सी, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल सी बी एनी ओरिएंटेड सरफेस एस एंड आर बी इट्स प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स से एक्स वाई प्लेन। देखो आपको एक सरफेस दिख रही है स्टूडेंट्स, ये जो सरफेस है ऊपर आपकी, ये आपकी सरफेस क्या है, एस सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस एस का अगर प्रोजेक्शन देखें तो प्रोजेक्शन में कौन सा पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट ओनली, ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स ये नीचे बनेगा। तो ये देखो मैंने नीचे बना दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया रीजन आर ऑन एक्स वाई प्लेन में, और ये आपकी 3D कोई सरफेस हो गई, ओरिएंटेड सरफेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें इसके एंगल बिटवीन टू सरफेस, तो एंगल आपकी दिख रही, दो सरफेस दिख रही है एस और आर। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी पढ़ाया था ये कि एंगल बिटवीन टू सरफेस, एंगल बिटवीन टू सरफेस इज़ द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, यानी उनके जो नॉर्मल्स हैं उनके बीच में जो एंगल होगा वही एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो दोनों सरफेस के बीच में एंगल हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोस थीटा से। तो मैंने आपको बताया था कि कोस थीटा इज इक्वल क्या होता है, एंगल के बीच के जो सरफेस, दोनों के बीच का नॉर्मल लेते हैं हम। तो एक पहले पढ़ाया आपको ग्रेडियंट फाई डॉट ग्रेडियंट जी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट जी, यानी ये क्या है आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो एंगल बिटवीन टू सरफेस इज़ द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो सबसे पहले हम इस सरफेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखो इस सरफेस की बात करें तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, एन केप होगा, जो हमने इस डायरेक्शन में दिया है देखो, ठीक है। और ये एन केप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहीं पर भी देख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे अलग अलग एन केप होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि वो उस सरफेस के अकॉर्डिंग, जैसे इस सरफेस के इस पॉइंट पे लेते हैं तो इधर होगा, क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है। एन केप क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल का मतलब ही क्या है, 90 डिग्री एंगल पे क्रिएट करना उसको, ठीक है। तो ये जो एंगल हम बता रहे हैं वो इस सरफेस से कितने हैं, 90 डिग्री पे है। और सरफेस अगर हम एफ नाम दे रहे हैं इसको, फंक्शन को, तो एन केप कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ लिख सकते हैं। और ये जो सरफेस दिख रही है आपको स्टूडेंट्स, ये एक्स वाई प्लेन में दिख रही है, रीजन जो आर दिख रहा है आपको वो किस में है, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में देखो ये आपका आई हो गया, ये जे हो गया। अगर आई जे हो गया तो ऊपर की तरफ जो पार्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई जे, और इधर क्या होता है, के होता है। तो ये देखो मैंने ये जो सरफेस दिख रही है आपको, ये तो नॉर्मल निकाला है, ये नॉर्मल एक्चुअल में किसका है, ये इस सरफेस का है, और रीजन आर का नॉर्मल है। तो रीजन आर का नॉर्मल तो क्या हो गया, के, और रीजन सरफेस एस का नॉर्मल क्या हो गया, एन केप। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना दिया हमने, थीटा। तो एंगल बिटवीन टू सरफेस इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो देखो कोस थीटा इज इक्वल क्या लिख सकता हूँ मैं, एन केप डॉट के भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ ग्रेडियंट एफ। देखो एन केप की वैल्यू कितनी है, ग्रेडियंट एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ। और के जो है, के का अगर मैं के केप निकालूँ स्टूडेंट्स, के केप, तो वो क्या लिखूँगा, के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ के। तो वही चीज़ देखो यहाँ लिखी हुई है, ग्रेडियंट एफ डॉट के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट के। अब हमें पता है कि हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट के कितना होता है, 1 होता है। तो नीचे क्या बच गया, ओनली ग्रेडियंट एफ बच गया। अब अगर हम देखें तो इसको देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये क्या बन गया आपका, एन केप बन गया। तो इसको मैंने एन केप लिख दिया, डॉट के लिख दिया। यहाँ पर आप चाहे एन केप डॉट के लिख दो या के केप लिख दो, दोनों चीज़ सेम ही है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो के केप की वैल्यू होती है वो ये होती है, और इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ के जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक चीज़ और लिखी है, जेड एक्सिस इज नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई है कि जेड एक्सिस जो है ये हमेशा क्या होती है, नॉर्मल होती है, आपको दिख रहा है 3D होता है। तो इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इन दोनों से क्या है, 90 डिग्री पे, यानी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है, ये भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस एक्स वाई प्लेन पे कोई चीज़ है उससे हमेशा ये के जो है वो कितने पे रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट, दस द एरिया ऑफ द सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई जेड ओवर ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड प्लेन रीजन आर इज क्या होगा, डी एस कोस थीटा इज इक्वल डी ए। देखो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, आपने क्या किया कि जो ये रीजन आर है इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, वो क्या हो गया डी ए। और इस सरफेस के अगर इसका प्रोजेक्शन यहाँ से पड़ा है तो ये सरफेस का जो टुकड़ा होगा उसका नाम क्या हो गया, डी एस हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो पार्ट आपका डी एस, तो इस डी एस की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो पार्ट होगा इसका, अगर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ये आपके जो पार्ट बनेगा ये बनेगा डी एस कोस
थीटा, क्योंकि ये जो पार्ट आपका ये सरफेस है, ठीक है, तो ये जो एरिया हो गया ये कितना है, डी एस कॉस थीटा, वो किसके इक्वल हो गया आपके डी ए के इक्वल हो गया। तो डी एस कॉस थीटा इज इक्वल कितना आ गया स्टूडेंट्स, डी ए, क्यों, क्योंकि ये जो डायरेक्शन दिख रही है आपकी ये किसकी हो गई, डी ए की हो गई, और इस डी एस को रिप्रेजेंट करना है, या अगर इधर है ये, इसको इस पे सेम पर रिप्रेजेंट करना है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ए इज इक्वल डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ से डी एस की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, डी एस की वैल्यू कितनी होगी, डी ए अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपने पहले सॉल्व कर ली, कितनी है, एन कैप डॉट के है। अगर हम इंटीग्रेशन करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो एन कैप डॉट के जो है इसकी वैल्यू रख देंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी और डी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सरफेस इंटीग्रल की, फिर अपन एक क्वेश्चन भी करते हैं इनके रिगार्डिंग। सरफेस इंटीग्रल क्या है, देखो स्टूडेंट्स, इफ आर इज द प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन ऑफ सरफेस एस डिफाइनिंग बाई द एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल सी एंड जी इज ए कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन एट द पॉइंट ऑफ एस, देन द इंटीग्रल ऑफ जी ओवर एस इज द इंटीग्रल जी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल डी एस। देखो इसका कहना क्या है, ये कह रहा है कि आपके पास में कोई एन अदर फंक्शन है जो सरफेस एस पे डिफाइन है, जी ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, और ये जो फंक्शन है ये कहाँ डिफाइन है, एट एवरी पॉइंट ऑफ एस, ठीक है। तो अगर इसका हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी स्टूडेंट्स, आपकी होगी जी ऑफ एक्स वाई जेड डी एस, और यहाँ पर डी एस कितना होता है, डी ए अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू ये है, अपॉन में जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सपोज दैट एफ इज, ये आपका सरफेस इंटीग्रल हो गया, कंडीशन क्या है, देखो स्टूडेंट्स कंडीशन ये है कि ग्रेडियंट एफ डॉट के इज़ नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज दैट एफ इज ए कंटिन्यूस वेक्टर फील्ड डिफाइनिंग ओवर एन ओरिएंटेड सरफेस एस एंड एन केप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एफ इज डिफाइंड एज एफ डॉट एन केप इज द फ्लक्स ऑफ एफ अक्रॉस एस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड इज गिवन बाई ये। ये आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एन केप डी एस। तो यहाँ देखो हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं कि एफ डॉट एन केप किया, डी एस की वैल्यू लिख दी डी ए अपॉन कोस थीटा। अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो एन केप की अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ स्टूडेंट्स, एन केप की वैल्यू क्या है, ग्रेडियंट एफ डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ, तो इस ग्रेडियंट एफ से ये ग्रेडियंट एफ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर तो क्या बचा, एफ डॉट ग्रेडियंट एफ ये लिख दिया, नीचे क्या बचा, ग्रेडियंट एफ डॉट के और डी ए, कंडीशन वही है अभी भी, ग्रेडियंट एफ डॉट के इज नॉट इक्वल जीरो। तो आपको अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ द गिवन फंक्शन एफ, आपको कोई फंक्शन वेक्टर फंक्शन दिया होगा और आपको कहेगा कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस गिवन फंक्शन एफ इन द डायरेक्शन, जो भी आपको डायरेक्शन दी हुई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं सरफेस एरिया का, कि हम सरफेस एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द केप कट फ्रॉम द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आपको दिया हुआ, देखो हेमिस्फीयर किस तरीके से दिया हुआ, इस तरीके से, और आगे लिखा हुआ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, हेमिस्फीयर बनता है, बाय द सिलेंडर, एक सिलेंडर से कट किया गया, और सिलेंडर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल वन। तो देखो स्टूडेंट्स पहले इस डायग्राम को समझते हैं किस तरीके से बनाए, स्टूडेंट्स देखो आपको क्या दिया हुआ है, पहली चीज तो आपको दी हुई है एक हेमिस्फीयर जिसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, और एक चीज लिखी हुई है जेड इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ठीक है। दूसरी चीज़ इसने क्या लिखी हुई है, देखो इसने कहा कि दिस हेमिस्फीयर इज कट बाय ए सिलेंडर, सिलेंडर की इक्वेशन दी हुई आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल वन, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायग्राम की, देखो सबसे पहले मैं एक हेमिस्फीयर बनाता हूँ,
उसके बाद में एक सिलेंडर बनाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपने एक हेमिस्फीयर बनाया। इस हेमिस्फीयर में देखो, यहाँ पर ये दिया हुआ है जो है, ये एक्चुअल में क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर इजिकल टू है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, रूट टू, और रूट टू कितना होता है, 1.414। तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होगा ना स्टूडेंट्स, ये कितना है, 1.414 है, ठीक है। इधर क्या हो गया, -1.414 हो गया, इस तरीके से ये पॉइंट, ठीक है। तो रेडियस कितनी होगी आपकी, अगर इस रेडियस की बात करें तो ये रेडियस कितनी है, 1.414 है, ठीक है। अब हम बात करें दूसरा है, सिलेंडर से कट कर रहे हैं, यानी ये आपकी क्या है, एक तरीके से बॉल मानो, बॉल को आधा कट कर लिया, तो ये अपनी बॉल है। अब इस बॉल को भी ये क्या बोल रहा है कि जैसे कोई सेल होता है ना आपका सिलेंडर टाइप में, वो सिलेंडर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल वन, इससे इसको कट करना है। कट करने का मतलब कोई तीखा पार्ट है उसको हमने इसके अंदर पिन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से कटेगा। ये परफॉर्मा दिख रहा है आपको, ये वाला इस तरीके से कट के आएगा अपने पास में, और इसका एरिया पूछा आपने से, समझ में आ रही है बात को, ठीक है। अब ये देखो, ये भी आर स्क्वायर ही है भाई, सिलेंडर होता है, इसका नीचे वाला एरिया क्या होता है, सर्किल होता है। ये दिख रहा है आपको, ये देखो एक सर्किल ही बन रहा है नीचे, तो ये जो सर्किल बन रहा है स्टूडेंट्स, इसकी ये आर स्क्वायर की रिप्रेजेंट करता है। तो आर स्क्वायर इजिकल कितना है, वन है, तो आर की वैल्यू कितनी है, वन। तो ऑब्वियसली वन जो होगा वो 1.414 से क्या होगा, छोटा ही होगा, तो इसीलिए हमारे पास में जो ये पार्ट आ रहा है, इसमें ये जो पॉइंट आएगा वो कितना है, वन है दूरी। तो इसकी रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, अगर इस रेडियस की बात करें तो ये कितनी है, आर इजिकल वन, इसको आर डेस मान लेते हैं, आर डेस इजिकल कितनी हो गई, वन हो गई। तो इस तरीके से ये बना हुआ है, बात समझ में आ रही है किस तरीके से कटा है, और इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, बात समझ में आ गई। अब देखो तो इस तरीके से ये बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखो, केप एस इज पार्ट ऑफ द लेवल सरफेस, यानी एस क्या आपका हेमिस्फीयर का पार्ट है, जिसको किस तरीके से डिफाइन किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू। यस, एक चीज़ और दी हुई थी इसमें, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो स्टूडेंट। जेड देखो यहाँ से ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, इसे नीचे क्या हो गया, नेगेटिव। अगर ये कंडीशन नहीं दी हुई होती तो ये क्या होता आपका, स्फीयर होता, ये क्या होता पूरा स्फीयर, यानी एक पूरा गोलाकार होता, इस तरीके से पूरा गोला स्फीयर होता। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दे दी, इसमें अपने को कंडीशन दे दी है ये वाली पार्ट, अगर ये कंडीशन दे दी तो ये कह रहा है कि जेड इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, यानी इससे नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना तो बॉल क्या रह गई, इतनी पार्ट रह गई, आधी बॉल कट ली हमने, आधी बॉल काटने का मतलब क्या हो गया, हेमी स्पेयर बनना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। कट बाई द सिलेंडर, सिलेंडर कौन से कट हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल वन, और इसका जो सिलेंडर से कट हो रहा है, तो अब अपने पास एक्चुअल में देखें ना स्टूडेंट्स, तो जो सरफेस बन रही है वो कौन सी बन रही है, अभी प्रेजेंट में ये बन रही है, ये इतनी बन रही है, ठीक है। ये इसका भी एक पार्ट कटने के बाद में ये इतना ही बचता है, ये मान लो ये पार्ट है ना, ये पार्ट बचता है, ठीक है। और इसका अगर आपको कोई कहे प्रोजेक्शन बताओ, तो प्रोजेक्शन में स्टूडेंट सर्किल कौन सा बनेगा, ये वाला बड़ा वाला बनेगा कि छोटा वाला बनेगा, ऑब्वियसली कौन सा बनेगा, छोटा वाला। क्यों, क्योंकि अब अपने पास अगर ये सरफेस है तो इसका ये जो प्रोजेक्शन यही तो जाएगा नीचे, अगर ये नीचे देखोगे तो ये बनेगा, और ये है क्या, एक सर्किल तो है, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल वन। तो आपके पास आर तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल वन, और सरफेस एस क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू। तो आपके पास एस भी आ गया और आर भी आ गया। नाउ नॉर्मल टू सरफेस एस, यानी इसका प्रोजेक्शन हमें एन के एफ निकालना होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो वो किससे निकालते हैं, सरफेस एस से निकालते हैं। एस की इक्वेशन वो क्या दी हुई आपको, ये पार्ट दिया हुआ है,
इसको हम क्या मान लेते हैं एफ, तो ये आपका क्या एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल क्या है सी वाला पार्ट, सी की जगह तो कितना आ गया टू आ गया, और ये पार्ट क्या हो गया आपका एफ हो गया। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करके हम क्या निकालते हैं ग्रेडियंट एफ। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो ग्रेडियंट एफ आपका क्या होता है आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पर एफ कितना है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और टू को भी बदल लिया हो तो इक्वल टू क्या कर देंगे जीरो कर देंगे। तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या हो गया ओनली एक्स स्क्वायर का होगा, कितना होगा टू एक्स, तो आपने लिख दिया टू एक्स आई। फिर वाई स्क्वायर का ये करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो बाकी सारे जीरो जाएंगे, वाई स्क्वायर कितना होगा टू वाई, तो आपने लिख दिया टू वाई जे। फिर ये इसी तरीके से टू जेड किया जाएगा, और नीचे क्या होता है इन सब का मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड लिख दिया देखो मैंने फोर एक्स स्क्वायर, टू एक्स का स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर, टू वाई का स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर, टू जेड का स्क्वायर फोर जेड स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। फिर आपने देखा कि ऊपर वाले में से टू कॉमन आ रहा है, नीचे वाले में से फोर कॉमन आ रहा है, फोर का रूट बाहर लेंगे तो कितना आएगा टू, इस टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर तो बचा एक्स प्लस वाई जे प्लस जेड के, नीचे वाले पार्ट में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बच रहा है स्टूडेंट्स, और ये वैल्यू किसके इक्वल है टू के, अभी देखा था आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है टू, तो ये कितना बन जाएगा वन अपॉन रूट टू दिस पार्ट, तो ये तो हो गया अपना एन केप। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। फिर अपन आते हैं बात करते हैं नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन, यानी नॉर्मल यानी आप देखो खुद स्टूडेंट्स कि जब इस जेड वाई पार्ट का यानी ये वाला पार्ट का प्रोजेक्शन पड़ेगा सर्किल, तो सर्किल किस में बन रहा है एक्स वाई प्लेन में बन रहा है, और एक्स वाई प्लेन में बन रहा है तो ये अपना रीजन आर हो गया, और इसकी परपेंडिकुलर देखें तो क्या होगा हमेशा ये डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये, तो ये डायरेक्शन कौन से होते हैं के डायरेक्शन, तो ये हो गई अपने पास नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन के रीजन में क्या डायरेक्शन हो गई के डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और एंगल बिटवीन टू सरफेस क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा आपको बताया एन केप डॉट के होता है, आपने एन केप भी निकाल लिया और डॉट के भी कर लिया, तो एन केप वाले में देखो आपको हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है के डॉट के वन होता है, तो बाकी सारे क्या हो गया जीरो, तो यहाँ से तो जेड आएगा रूट टू आएगा, तो जेड अपॉन रूट टू कॉस थीटा निकाल सकते हो। सरफेस एरिया का आपने अभी फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट्स, डी एस इज इक्वल कितना था डी अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है जेड अपॉन रूट टू थी, लेकिन ये रूट टू कहाँ से लगेगा ऊपर, तो ये रूट टू अपॉन जेड बन गया। अब हम सोल्व किस में करें, रीजन आर को सोल्व करें, और रीजन आर किस में बना हुआ था एक्स और वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में बना हुआ, तो यहाँ क्या आएगा डी एक्स डी वाई आएगा, कर सकते हैं ऐसा डी एक्स डी वाई, और जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको कोई कहे जेड स्क्वायर की वैल्यू बताओ तो आप क्या लिखोगे टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपसे पूछे जेड की वैल्यू बताओ तो क्या लिखोगे रूट ऑफ टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कर सकते हो, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो दिख रही है आपको। अब हमने इसको क्या किया है देखो लिखा पोलर कोऑर्डिनेट्स चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, अब आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स ये आपका इस तरीके से बना हुआ था है ना एक्स वाई और जेड, और ये आपका सर्किल बना हुआ है, सर्किल की रेडियस कितनी है वन है। अब अपन एक बार ओनली एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, पूरे थ्री डी की नहीं बात करेंगे, ओनली एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे, तो मैं ये मान लेता हूँ एक्स और ये वाई और ये सर्किल था वो, ठीक है, ऊपर से टॉप से देखने पर यानी जेड से देखने पर टॉप से देखने पर ऐसा दिखेगा, यहाँ पर रेडियस कितनी है इसकी वन है, मिनिमम कितनी होगी जीरो, और कितना मूव कर रहा है यहाँ से लेके और इस तरीके से पूरा मूव करेगा, तो पूरा मूव करने पर जो थीटा है वो कितना मूव करता है हमेशा पूरा कितना होता है एंगल टू पाई होता है 360 डिग्री, तो थीटा तो कितना मूव करेगा जीरो से लेके टू पाई, और आर कितना मूव करेगा जीरो से लेके वन, रेडियस कितनी हो गई वन, तो यहाँ पर देखो हमने इसको एंगल को जब चेंज करते हैं पोलर फॉर्म में तो कैसे करते हैं एक्स इजिकल तो क्या लिखते हैं आर कोस थीटा, वाई इजिकल क्या लिखते हैं आर साइन थीटा, और डी एक्स डी वाई इजिकल क्या लिखेंगे आर डी आर डी थीटा, एक एक चीज़ को समझते हैं स्टूडेंट, तो डी एक्स डी वाई देखो ये रहा डी एक्स डी वाई, इसको तो मैं क्या लिख दूंगा आर डी आर डी थीटा, तो ये लिख दिया आर डी आर डी थीटा। फिर आपको देखो नीचे वाले पार्ट में दिया हुआ एक तो टू माइनस माइनस दोनों में दिख रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में, तो मैंने कॉमन ले लिया, अब एक्स स्क्वायर करो तो यहाँ करोगे तो क्या दिखेगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका करोगे तो प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब स्टूडेंट्स आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है वन, तो यहाँ से अपने क्या मिलेगा ओनली आर स्क्वायर मिलेगा, तो ये बन गया स्टूडेंट्स मेरे पास में अंडर रूट टू माइनस आर स्क्वायर। लिमिट आपको मैंने बताई थी थीटा कितना मूव करता है एक सर्किल पूरा बनाने में, थीटा कितना मूव करता है जीरो डिग्री से लेके कितना मूव करता है टू पाई, और रेडियस कितनी होगी जीरो से वन, ठीक है, तो ये आपके पास दोनों रेडियस आ गई।
उसके बाद में स्टूडेंट्स अब आपको दिख रहा है कि दोनों लिमिट क्या है, कॉन्स्टेंट है। जब दोनों लिमिट कॉन्स्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम किसी के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले कर सकते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन हम आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखो आर के रिस्पेक्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ समझना इसको कि ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये देखो इतना पार्ट, पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि नीचे एक 2 - r² दिख रहा है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखो मैं इस तरीके से मानूँ 2 - r² को मान लूँ मैं t, ठीक है, डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का 2r dr इजिक्वल क्या लिख दूँ dt। तो आपको दिख रहा है r dr को मैं कितना लिख सकता हूँ, माइनस का 1/2 dt। तो देखो मैंने लिख दिया एक बार इधर, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये रूट तो पहले से पढ़ा ही है, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1। अब ये जो पार्ट है इसको t मान लिया, तो ये बन गया 1/√t, ठीक है। और आगे क्या है, ये जो rdr है, इस rdr को कितना लिखूँगा, ये वाला पार्ट, तो -1/2 तो मैंने बाहर लिख दिया और dt अंदर लिख देता हूँ। अब रूट टी को अंदर नीचे है, रूट टी को अगर आप कहोगे ऊपर लेके जाओ तो कितना लेके जाऊँगा मैं, t^-1/2, और t^-1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, t^-1/2 + 1/-2 + 1 ऐसे लिखोगे। तो यहाँ से नीचे वाले पार्ट से क्या मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा स्टूडेंट्स, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसको अगर आप सोल्व करते हो नीचे वाले पार्ट को, इसको सोल्व करोगे तो एक तो क्या मिलेगा 1/2, तो एक तो आ गया 1/2। और ये देखो ये 1/2 ये रहा, 1/2 ये रहेगा पहले से, तो ये ऊपर नीचे है और ये ऊपर वाला पार्ट है, तो 1/2 क्या हो गए कैंसिल आउट। तो यहाँ आपने क्या मिला, ओनली रूट टू ही पड़ा है, ठीक है, माइनस साइन था वो माइनस साइन ये दिख रहा है आपको, आ रही बात समझ में। अब उसके बाद ऊपर वाले पार्ट में देखो, माइनस का 1/2 + 1 करोगे तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा प्लस का, तो ये देखो प्लस का हाफ ये रहा दिख रहा है। और टी की वैल्यू वापस पुट कर दो कितनी है, 2 - r², तो ये देखो 2 - r² की पावर कितनी है, हाफ, समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। अब आप अपर लिमिट पुट कर दो फिर लोअर लिमिट पुट कर दो, तो पहले आप अपर लिमिट की सॉरी माइनस साइन दिया हो तो आप जीरो लोअर लिमिट पहले पुट कर सकते हो, माइनस साइन दिया है तो लोअर लिमिट पहले रख दो, तो पहले क्या रखोगे जीरो, आर की जगह जीरो रखोगे तो कितना बचेगा -2, ठीक है। तो ये देखो स्टूडेंट्स माइनस तो है ही है, लोअर लिमिट पहले रख रहे हैं ना, तो इस माइनस का रोल तो खत्म हो गया, लोअर लिमिट अगर पहले रख रहे हैं तो माइनस का रोल खत्म। अब आओ जीरो पे, आर की वैल्यू जीरो रखोगे तो 2 बचा 2 की पावर कितनी है 1/2, तो क्या बनेगा √2 बना। उसके बाद में आओ अपर लिमिट पे, अपर लिमिट कितनी है स्टूडेंट्स 1 - 1 - 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही रहती है, तो ये 1 आ गया, बात समझ में आ रही है कितनी। तो √2 - 1 तो कोई रोल नहीं है, पूरा कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लिया तो ये बाहर आ गया। डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, थीटा अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दो 0 और 2π, अपर लिमिट रखोगे तो कितना आएगा 2π। अब यहाँ देखो ये √2 इस √2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, √2 और √2 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो देखो √2 और √2 को तो मैंने कितना बना दिया, मल्टीप्लाई करके 2, और ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो -√2 बन जाएगा और 2π आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहले सबसे पहले हमें क्या किया, इसकी सरफेस को बनाया, बनाने के बाद में स्ट्रक्चर को बनाने के बाद में इसका सरफेस एस देखी, उसका प्रोजेक्शन देखा, सरफेस एस से हमने एन केप निकाल लिया जिसका फॉर्मूला हमें पता होता है ग्रेडियंट ऑफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका सरफेस का नॉर्मल देखा तो वो नॉर्मल क्या होता है हमेशा के होता है, इन दोनों से हमने क्या निकाला कॉस थीटा कितना होता है एन केप डॉट के होता है, तो कॉस थीटा आ गया। फिर हमने सिंपली एस इजिक्वल क्या लिखा, डबल इंटीग्रेशन dA अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली थी वो पुट कर दी। फिर हमने देखा कि dA को क्या लिख सकते हैं dx dy लिखने के बाद में हमने देखा कि जो dx dy वाला एरिया जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है, तो सर्किल को हमने किससे सोल्व किया, पोलर फॉर्म से सोल्व किया। पोलर फॉर्म का मतलब ही क्या हो गया कि जो आपका एक्स वाई होता है उसको किस में बदल दो, r और थीटा में बदल दो, r और थीटा बदलने का मतलब ही क्या हो गया कि सर्किल जो है उसके अंदर रेडियस कितनी जा रही थी, 1 जा रही थी, तो रेडियस तो हो गई 0 से 1, और थीटा कितना जा रहा था 0 से लेके 2π जा रहा था, तो बस हो हमने लगा दिया और सोल्व किया तो अपने पास वैल्यू आ गई ये, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ओके, थैंक यू।